हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन पे। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो आपका लखनऊ मेट्रो के अकाउंट असिस्टेंट पेपर के पार्ट टू के बारे में है, जो 2023 का पेपर पिछले साल हुआ था। ठीक है, हालांकि उसमें टोटल 140 क्वेश्चन आए थे, जिसमें 90 आपके कॉमर्स से रिलेटेड थे, 20 आपके क्वान्टिटेटिव ट्यूट एंड लॉजिंग से थे, 10 आपका इंग्लिश से थे और 20 आपका जनरल अवेयरनेस से था। ठीक है, उसी में साथ पार्ट टू है। पार्ट वन में हमने 46 क्वेश्चन हमने बता दिए थे आपके कॉमर्स से। आज आपको रिमेनिंग बचे हुए कॉमर्स के क्वेश्चन बताएंगे, जो 47 से आपके 90 तक है, 90 तक। ठीक, उसके आगे का वीडियो आपको अगले दिन मिलेगा, जिसमें आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि आप अभी हाल के जो पेपर होने वाले हैं आपको, वो आप किस तरीके से देंगे और क्या आपका पैटर्न रहेगा तैयारी करने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हमने बता दिया, पिछली वीडियो में बता दिया था कि आपका जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 90 आ रहे हैं कॉमर्स के। ठीक है, ओके। और उसके बाद जो है कि आपका 20 है आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग के, ओके। नेक्स्ट है आपका 10 आपके इंग्लिश के आएंगे, 10 आपके इंग्लिश के आएंगे, ओके। नेक्स्ट है आपका 20 आपका जनरल अवेयरनेस। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। और हमारे एप्लीकेशन के द्वारा आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर और इग्नू की बुक्स जो होती हैं उसको यहाँ पे कंपाइल किया गया है, ताकि आप आसानी से समझ सके कंटेंट को। ठीक, अब क्या है कि जो हमारा एप्लीकेशन है अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन ऐप पे, आप डाउनलोड करके यहाँ से आप इस पेपर को स्टोर पे क्लिक करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर और ई बुक मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरी चीज़ें समझ के होंगे। कोई आपको क्वेरीज हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप पूछ सकते हैं और अपडेट के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो हमारा जो एप्लीकेशन है आपका प्ले स्टोर ऐप और लैपटॉप डेस्कटॉप सभी जगह पे एक्सेस कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा मेन मोटो आपको गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग को लेकर के रहता है, जो आपको हम फोकस करते हैं बताने के लिए। ओके, कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमारे इस नंबर पे चैट कर सकते हैं, कभी भी टाइम पे जब हमारे पास समय रहता है हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। ओके, तो चलिए आगे शुरू करते हैं, वीडियो को समझाते हैं। ओके, तो जैसे हाल ही का पेपर है आपका 2023 में जब पेपर हुआ था, तब का पेपर का है, अकाउंट का है, तो एक्चुअल पेपर है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, जो आपको बताया जा रहा है एक्चुअल पेपर है, कोई आपको मिस गाइड इसमें नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं मेन पॉइंट पे। अकॉर्डिंग टू एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंश्योरेंस कंपनी कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ प्रीमियम क्लेम एन्युटी एंड अदर पॉलिसी बेनिफिट आर कंसिडर्ड टू बी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट है आपका टोटल अमाउंट बाई वे ऑफ प्रोफेशनल टैक्स पेबल इन द रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन शुड नॉट एक्सीड पर एनम 2500। ओके, नेक्स्ट है आपका करेक्ट आंसर आपको बता रहे हैं, जो आपको ऑफिशियल माना गया था। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू और फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट दोनों में सही है। तो एबनॉर्मल लॉस अराइज वेन एक्चुअल लॉस इज मोर देन एक्सपेक्टेड लॉस, एबनॉर्मल लॉस इज क्रेडिट टू द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपका दोनों फॉल्स है। ओके, फर्स्ट आपका ट्रू है और सेकेंड आपका फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट है आपका CBDT स्टैंड फॉर, तो सिनोनिम्स पूछे जाते हैं जो अकाउंट से जुड़े होते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशंस। ओके, नेक्स्ट है आपका एजुकेशन स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बोर्ड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अंडर, जो एजुकेशन स्कॉलरशिप होती है वो आपकी टैक्स टैक्स से मुक्त रहती है, किस सेक्शन द्वारा, सेक्शन 10 अंडर 16। ओके, ट्रांजेक्शन नॉट डीम टू बी स्पेकल्चर ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो 1 2 3 4 चार आपके करेक्ट आंसर्स है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 53 पे। कैलकुलेट द बेसिक EPS फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओके, नेट प्रॉफिट फॉर ईयर, नंबर ऑफ इक्विटी आउटस्टैंडिंग, दो कैलकुलेशन जो आपका आएगा EPS का बेसिक 2.4। ओके, नेक्स्ट है इन द अकाउंटिंग ऑफ शेयर ESOS स्टैंड फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। ओके, नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कम्प्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी स्टैंड विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द कंसेप्ट ऑफ द एनुअल वैल्यू इन द मेथड डिटरमाइंड द लेट डाउन इन द सेक्शन 23। आपको ऐसे सेक्शन बहुत से मिलेंगे जिसको आपको याद करने चाहिए। ओके, अकॉर्डिंग टू द AS बियरर प्लांट इज डिफाइंड एज द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड, अ प्लांट इज यूज टू बी द प्रोड्यूस एनुअल क्रॉस लाइक द मेजर एंड वेट। ओके, नेक्स्ट है आपका 57 पे, इसे आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं आसानी से। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फुल एग्जेम्प्टेड अलाउंस, द फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस इज नॉट अ फुल एग्जेम्प्टेड अलाउंस। ओके, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम इज नॉट अकाउंटिंग सिस्टम। ओके, PYV रेशियो इज 40%, मार्जिन सेफ्टी 60%, द स्केल आर द
1050, 1,50,000, दे कैलकुलेट द प्रॉफिट 30,000। ओके, द एंट्री जर्नल ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ एक्सिट एप्लीकेशन मनी टुवार्ड अलॉटमेंट मनी इज द शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड डेबिट टू शेयर अकाउंट। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर है। हैज बीन द डिसाइडेड डिफाइंड द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल मेथड टेक्निक टू बी द साइंस आर्ट प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड द असेसिंग ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटेंसी। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर द कैलकुलेट द रेसिडुअल्स इनकम, तो आपका कैलकुलेट करेंगे आपका 50,000 आएगा। ओके, नेक्स्ट आपके विच ऑफ फॉलोइंग इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर डिप्रेशन अकाउंटिंग AS 6। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में लिखा गया है। ओके, सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिस्ट बना लीजिए, उसे आप अच्छे से लीजिए, क्योंकि हर जगह पे आपके पूछे जाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिस्ट के बारे में। ओके, इनकम ऑफ द प्रसार भारतीय ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स, जो आपका प्रसार भारती का जो इनकम होती है वो टैक्स फ्री है एक तरीके से माने। ओके, विच ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रोसेस अकाउंटिंग द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेंस। ओके, मैच द फॉलोइंग, आपको इसमें मैच करना है, तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, प्रोड्यूस कास्ट विल बी क्या, डायरेक्ट रॉ मटेरियल, फिक्स्ड कास्ट विल बी द रिमेन कंस्टेंट इन द टोटल इन रिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट। ओके, सी इज द बी एग्रीगेशन ऑफ द ऑल वेरिएशंस एंड डी इज द फोर ए डिफरेंशियल कास्ट चेंज इन द कॉस्ट ड्यू टू द अब्जॉर्प्शन ऑफ द अल्टरनेटिव कॉस्ट ऑफ द एक्शंस। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ फॉलोइंग कास्ट इज कंसिडर्ड एज ए सेमी वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट रॉ मटेरियल। ओके, नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर डिप्रेशन अकाउंट आर मेड फ्रॉम, कब से आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिप्रेशन को मैंडेट किया गया था, आपका 1 अप्रैल 1995 से आपको अनिवार्य कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट है यूनिवर्सिटीज आर एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ओके, जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो इस तरीके से होता है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होता है यूनिवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट है आपका ABC लिमिटेड परचेज है कोई दिया गया है, इसमें आपका करेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आपका द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी इज द कमिटेड आफ्टर द विच ऑफ द फॉलोइंग द डिडक्शंस, किस किस डिडक्शन के बाद आपको सैलरी कैलकुलेट की जाती है, आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स। ओके, नेक्स्ट आपका एज पर AS 3 कैश फ्लो अराइज फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व द कैश प्रोसीडिंग फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ द फिक्स एसेट्स। ओके, इंटरेस्टिंग ऑन द फंड जनरेटेड इंटरनली पेमेंट फॉर विच इज नॉट एक्चुअली मेड इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट इम्प्यूटेड। ओके, कैलकुलेट द डायल्यूट EPS फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आप इसको करें, करेक्ट आंसर आपका 2.286 करेक्ट आंसर आपका आएगा। ओके, नेक्स्ट है सैलरी सैलरी अंडर सेक्शन 17(1) डू नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग एनी एडवांस अर्नेस्ट द सैलरी। ओके, द टर्न प्री रिक्वेस्टिंग पर क्वेश्चराइज द डिफिनेशन इज अंडर 17(2). ओके, नेक्स्ट है आपका कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ द सेफ्टी फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रॉफिट एंड PV रेशियो इन द प्रॉफिट मार्जिन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, आप इसका हिंदी में चाहें तो हिंदी में भी हमारे क्वेश्चन आपका अवेलेबल है हमारे जो कि वेबसाइट पे, वहाँ से आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन के अंदर दिया गया है। ओके, टैक्स हॉलीडे फॉर द यूनिट एक्सप्लाइज इन द स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन इज गवर्न अंडर Section 10AA। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रेफर करता है सिस्टम ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग अंडर विच कॉस्ट आर डिटरमाइंड इन द एडवांस ऑन द बेसिस ऑफ द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग्स। ओके, कैलकुलेट द PV रेशियो फ्राम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दिया गया है, तो आपको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 50% करेक्ट आंसर आएगा। कंट्रीब्यूट ऑफ द एम्प्लॉयर इन द रिकोगनाइज प्रोविडेंट फंड इन द एक्सेस ऑफ द सैलरी इज द टैक्सेबल, होगा आपका 12%। ओके, PF, ओके PF के लिए बताया गया, करेक्ट। नेक्स्ट है आपका विच आर द फॉलोइंग शेड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट स्पेसिफिक द रेट ऑफ द टैक्स एप्लीकेबल टू द करेंट असेसमेंट ईयर्स पार्ट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, कौन सा आपका स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है वो बताना है आपका, तो स्टेटमेंट के हिसाब से पहला आपका ट्रू है, सेकंड आपका फॉल्स है। कंसेप्ट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आर डेवलप्ड बाय द कॉपर एंड द कल्पन, कंसेप्ट ऑफ एक्टिविटी कॉस्टिंग डेवलप्ड बाय द मार्शल एंड जॉन्स, तो पहला आपका करेक्ट है, आपको दूसरा रॉन्ग है। ओके,
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर द बेस्ट सूट फॉर द जॉब पोस्टिंग, तो आपका सभी होगा, आप इसमें से 1, 2, 3, 4 सभी जॉब पोस्टिंग के लिए आपका बेस्ट सूटेड ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है आपका 85 का, स्कोप ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द सेसी डिपेंड अपॉन द विच आर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड होगा, आपका ये करेक्ट होगा आंसर तीनों, ठीक। नेक्स्ट है आपका एज पर 9, द रेवेन्यू डू नॉट इंक्लूडेड इनकम फ्रॉम द सैलरी, इनकम फ्रॉम द सैलरी इज डू नॉट इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, ओके। एज पर द सेक्शन 10, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द सेसी, द एग्रीकल्चर इनकम इज द नॉट इंक्लूडेड इन द इनकम, ओके। नेक्स्ट है आपका विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ फुली टैक्सेबल अलाउवेंस, कौन सा आपका फुली टैक्सेबल अलाउवेंस नहीं है, अमाउंट पेड बाय द यूएनओ, ओके। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट एब नॉर्मल इन द यूनिट एंड द नॉर्मल इन द यूनिट रिस्पेक्टिव फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस, तो करेक्ट आंसर आपका है 100 एंड 200, ओके। सो इस तरीके से क्वेश्चन से आपका लास्ट है, ओके आपका, कि कौन सी चीज़ें इज डिफाइंड द दैट सेग्रीगेट रिवेन्यू एंड कास्टिंग इन टू द रेशियो ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑर्डर टू एसेस द परफॉर्मेंस अटेंड बाय द पर्सन टू हुम अथॉरिटी हैज द साइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो इस तरीके से क्वेश्चन से आपको अगला पार्ट लाऊंगा जो नॉन टेक्निकल से होगा आपका, मतलब बोले तो कॉमर्स को छोड़ करके जो चीज़ें रहेंगी, जैसे इंग्लिश रीजनिंग और सारी चीज़ें आपको एक बार दिखा देंगे किस तरीके का उसमें पूछा गया है। सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय कम रहता है, किसी और चीज़ों में हम बिजी रहते हैं, फिर भी आपको स्टडी मटेरियल जो क्वेश्चन बैंक है, जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो मिल जाएगा आपको, और इग्नू की बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए अप्लाइड साइंस सोल्यूशन को, यहाँ पर आप जा करके स्टोर पे क्लिक कर सकते हैं, स्टोर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना होगा, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं इंटरेस्टेड पे क्लिक करके, कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपका पेमेंट होता है, उसके बाद आप इसे एसेस कर सकते हैं। आप इसे लैपटॉप पे, आईफोन पे, एंड्रॉयड फ़ोन पे, तीनों पे आप एसेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और जो कि हमारा मिशन आपको गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कराने का रहता है, बाकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कंटेक्ट कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर 8546008271 पे, ओके। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।